ये पुराने पहलवान जानते होंगे, हरिश्चंद्र ब्रांडार हिंदुस्तान के माने हुए पहलवान रहे, बात कैसी रहे हैं। ये महाराष्ट्र से जो पहलवान निकल रहे हैं वो हरिश्चंद्र ब्रांडार के बेटे, ये सब दोनों उसमें टाइटल में भी है, भजन में भी वो सब बताएंगे। नहीं, खाली भजन में, खाली भजन में लाभ डाल गया। संदीप हरियाणा के हैं, लाल जंगे में और नीले जंगे में साइबर फिराज साहब जो महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और संदीप हरियाणा का पहलवान लाल जंगे में है, हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत अच्छी कुश्ती आप ये देखेंगे, बहुत बढ़िया कुश्ती, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इसके बाद अपने आप को तैयार कर लें पहलवान शिव कुमार दिल्ली और विश्वास सिंह हरियाणा, और उसके बाद युधिष्ठिर जैन के बलजीत बिहार, गजेंद्र हिमाचल प्रदेश और मोहित पंजाब, सभी पहलवान अपने आप को तैयार रखें, अखाड़े के करीब है और फिर क्वार्टर फाइनल लाउड्स की कुश्तियां 55 किलोग्राम से शुरू की जाएगी। रोशनी की बहुत अच्छी व्यवस्था है, केवल 4-4 कुश्तियां हर वजन में होंगी। आईपीएल का क्वार्टर फाइनल हो चुका है, उसके सेमीफाइनल फिलहाल आप देख रहे हैं 380 किलोग्राम भाग भर की कुश्ती आपके सामने, हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लाल कॉस्ट्यूम पहने हुए पहलवान संदीप और सागर दयालदास महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दो मिनट का समय हो चुका है, अभी तक किसी पहलवान का कोई स्कोर नहीं है, मतलब ये यहाँ कुछ स्कोर बनता हुआ दिख रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसी एक्शन में बाल अंदाज बना लिया, ग्राउंड पे आने की जरूरत नहीं थी, वहीं पे बाल अंदाज दे दिया। और दो और इधर भी हरियाणा के पहलवान के द्वारा बिल्कुल जवाब बराबर था, दो और दो चार है, चार चार दो का स्कोर है, चार ठीक है। चेयरमैन साहब बलबीर सिंह जी ने आदेश दिया है कि 4-2 का स्कोर है, वहां उन्होंने Yeah.
नेट को मारनी। हाँ जी ठीक है, चल लड़ता कर। ओके कुश्ती लड़वाई नहीं तो कौशल में लगा बेचारे। ये तो 84 प्लस की हो गई ना। कांटेक्ट कांटेक्ट पंकज जी, पंकज जी आपको बात करो। हाँ गौरव जी, हेलो। हाँ गौरव जी, हेलो हेलो। सब में क्रॉस होंगे, चलो ठीक है जी। चारों अंकों के स्कोर पर ये कुश्ती चलती हुई ब्लैक है इसका। और मुझे सभी भार वर्गों की, सभी भार वर्गों के पहलवान सुन ले, 55, 60, 66, 74, 83, 84 सब भार वर्गों की क्वार्टर फाइनल कुश्तियां भी अभी होंगी और सुबह को फिर सेमीफाइनल और क्रॉस सेमीफाइनल और उसके बाद शाम को फाइनल होंगे समापन सत्र में। इस तरीके से कार्यक्रम चलेगा। सुबह का कार्यक्रम आज की तरह से ही 9:30 बजे यहाँ हम लोग सब पहुंच जाएंगे और कुश्तियां सुबह 9:30 बजे से शुरू की जाएगी। सेमीफाइनल और क्रॉस सेमीफाइनल सुबह हो जाएंगे, थर्ड प्लेस भी सुबह निकल जाएंगी और शाम के सत्र में केवल फाइनल रखे जाएंगे। अभी आज के सत्र में क्वार्टर फाइनल सभी कंप्लीट कर लिए जाएंगे। 4-4 कुश्तियां हर वजन में होनी है। इन तीसरी टाइटल के क्वार्टर फाइनल हो चुके हैं, उसमें सीधा सेमीफाइनल आ गए हैं। अभी हमको 55, 60, 64, 84, 83, 84 के क्वार्टर फाइनल कराने हैं। ये तीन कुश्तियां हैं 83, 84 की, इसके बाद क्वार्टर फाइनल कुश्तियां हम शुरू कर देंगे। एक्शन। धनी भंजाना और सागर लाल साहब की एक मिनट निकाल ली थी पूरी तरीके से सागर प्रधान ने, लेकिन मौका नहीं दिया, अवसर नहीं दिया हरियाणा के इस पहलवान ने कि वो उसको अंकों में परिवर्तित कर सके। ये काम नहीं यहाँ का, ये क्यों? हाँ मोच नहीं लगती यहाँ पर, मोच नहीं, ये होती है बढ़िया काम होता है। कौन कौन आया? एक तो गुलिया नहीं, कौन कौन आया बता। बाबर शिव कुमार दिल्ली सेमीफाइनल का हरियाणा अगली कुश्ती के लिए अपने आप को तैयार रखते हैं। बाबर और बाबर हार गया, हार गया और कौन है तो अपना दो मिनट का समय हो चुका है। दूसरे चक्कर का दूसरे अवसर प्रवेश है, मोंटू है और एक उसका नाम उसे हितेश है और एक पंजाब का क्या नाम रूमल। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और ये बाल जाने पर मजबूर किया एक अंक बनाते हुए। अब हरियाणा कुश्ती संघ की तरफ से श्री सतपाल पहलवान तो हमारे मात्र गांव से हैं, कई बार नेशनल में हार और अपनी फर्स्ट सेमीफाइनल पोजिशन की आई है उनका, और श्री रणधीर सिंह तंवर और श्री करतार सिंह आलड़िया जो रिटायर्ड जॉइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहे हैं उनका हम स्वागत करते हैं।
बहुत अच्छी खुशी चल रही है, मेरी खुशी दोनों ही पहलवान हुआ। हरियाणा के पहलवान के कारण महाराष्ट्र के पहलवान के हैं। अभी आपने कुश्ती देखी हिंदुस्तान में, इससे बड़ी आप बेहतर कुश्ती और क्या हो सकती है? बहुत बढ़िया कुश्ती है, बाकी में पहलवान आपकी एकदम बनाए हुए हैं। इतनी बढ़िया कुश्ती कई सालों में पहली बार देखने को मिली। आप क्यों ऐसे दोनों दिए? कोई भी यहाँ नहीं रहेगा, बिल्कुल फैसला खुलिया होगा, कोई किसी का पक्षपात नहीं किया जाएगा। यहाँ कुश्ती के लिए आए हैं। केवल एक कोच का रहेगा जो बता देगा, दोनों तरफ से बिल्कुल निष्पक्ष फैसला होगा। ये वॉलंटियर से निवेदन, वो एक को छोड़ करके जो पहलवान के साथ आया कोच, सिर्फ एक को छोड़ करके बाकी बार उठाए। वही तो स्टैंडिंग में 12 के बाहर का एक्शन हुआ। डायरेक्ट कंपटीशन गार्ड पहलवान जी से निवेदन है, भारतीय आदमी अंदर ना आने दें। और सब वॉलंटियर थोड़े सख्त हो, रिक्वेस्ट करके चले जाए। ये रिप्ले अगर देखना चाहते हैं तो रिप्ले देख सकते हैं। बहुत बढ़िया कुश्ती हुई, बेहतरीन कुश्ती हिंदुस्तान। और दोनों ही यार जवान रिप्ले देखिए ना, उधर रिप्ले का रिप्ले देखने जा रही है। कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, कुश्ती सामने रह सकते। ये वॉलंटियर एक जगह इकट्ठे हो, एक जगह ना इकट्ठे हो, आप अलग हो जाओ। एक पहलवान के साथ एक कोच रहेगा, एक उनके साथ पॉलिश करने वाला रह सकता है, बाकी और बात है भाई। बाकी कोई पहलवान नहीं, रुक जाओ भाई, होगा कोई चिंता करने वाली। हमारे पास बहुत बढ़िया कोच रेफरी और मैच चेयरमैन है, श्री लाला राम जी बैठे हैं, सारी व्यवस्था देख रहे हैं। बहुत अच्छे हिंदुस्तान के एमएलएस कोच आए हुए हैं, बिल्कुल निष्पक्ष फैसला होगा। अब तक सैकड़ों कुश्तियां हुई है, किसी भी आपने इन्होंने दिन दिए हैं, किस हिसाब से दिए हैं? इसमें तो कोई दिन दिखी नहीं ना। ये दोनों पहलवान हिंदुस्तान के बेहतरीन पहलवान है भाई, बहुत अच्छा पहलवान है। महाराष्ट्र के पहलवान को यह पूरे सभी ऑफिसर का निर्णय है। यहाँ पर किसी के घर में कोई वायरल वीडियो होगी।
भाई हरेक कुश्ती में न्याय होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। भाई राजपाल के लिए राजपाल शर्मा जो पार्षद है वो 1100 रुपए इनाम दे रहे हैं। बिराजदार जी आए और इनाम लेकर के जाए अपना। बहुत अच्छा डिसीजन हुआ है यहाँ। सारा जो भी ऑफिशियल का डिसीजन है वो मान्य है और इसमें किसी को कोई एहसास नहीं होना चाहिए, ना ही किसी के साथ कोई हिसाब नहीं है। अजय शिव कुमार जी।